50-50 शेयरिंग नुहे कर्णाटक रे पूर्णकालीन मुख्यमंत्री पांच वर्ष पई मुख्यमंत्री रहिबे सिद्धरमैया चारि दिन धरी चलीथिबा कर्णाटक हाई पॉलिटिकल ड्रामा रे पड़िछि पूर्णच्छेद छिंडिछि भागबंटा एवं सबु सस्पेंस रु उठिछि परदा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया हेबे कर्णाटक मुख्यमंत्री, सेहिपरि डीके शिवकुमार हेबे डेप्युटी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह आसंता 20 तारीख मध्यान 12:30 रे बेंगालुरु रे हेब। एथिपाई आज संध्या रे कर्णाटक कांग्रेस विधायक दल बैठक बसिबो। एथिपाई कांग्रेस रो केंद्रीय पर्यवेक्षक बेंगालुरु रे पहुंची छंती। शिवकुमार एवं सिद्धरमैया गतकाली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को भेटिथिले। उभय पक्षक मध्यरे घन घन बैठक बसिथिला। पूर्वरु क्षमता भागबंटा फॉर्मूला को ग्रहण करूनथिबा शिवकुमार परे एथिरे राजी होइथिले। उपमुख्यमंत्री पद सह शिवकुमार लोकसभा निर्वाचन पर्यंत पीसीसी सभापति दायित्व तुलाइबे। एने कांग्रेस पक्षरु सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दिया जायछि। शपथ ग्रहण उत्सव रे गांधी परिवार रा समस्त सदस्य, कांग्रेस शासित राज्य रा मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोग देबे। विरोधी दल नेता को कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे निमंत्रण जणाइबे। तेणु जो हाई ड्रामा चलीथिला सिद्धरमैया कर्णाटक राजनीति रे बेस जणाशुणा ना डीके शिवकुमार एवं सिद्धरमैया को ना को नै चारि दिन धरी जो भली भाव टणा ओटरा जारी रहिला हाई ड्रामा देखिबा को मिलिला। परवर्ती समय हाई कमांड सिद्धरमैया ना रे मोहर मारी छंती। कर्णाटक राजनीति रे जणे जणाशुणा चेहरा हेउछंती सिद्धरमैया। 1947 अगस्ट 3 तारीख रे मैसूर जिला बरुणा अंतर्गत सिद्धरमणा हुंडी गांव एक गरीब चासी परिवार से जन्मग्रहण करथिले। Siddaramaiah will be the chief minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC president till the parliament election is over. Already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is there, swearing in ceremony along with the chief minister and deputy chief minister. A group of ministers also will be sworn in that day. Everything is well. Everything will be is well, will be well, is going to be well. But under your leadership, you have won 135, and now you are the deputy CM. Have you accepted? See, we had made a one-line resolution that whatever the high command will take a decision, we'll abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this diktat. We all have accepted whatever the formula has been generated. रवि सिसोदिया आम सहित नुआ दिल्ली प्रतिनिधि फोन लाइन रहउछन्ति। रवि, तमाम बैठक, तमाम आलोचना एवं तमाम सस्पेंस के बाद डील ओवर हुआ है। 50-50 नहीं है अभी। कर्नाटक में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धरमैया। अभी कैसा माहौल है, राजनीतिक चर्चा क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से इसकी ऑफिशियल घोषणा की गई कि सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, सीएलपी के नेता होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ 2024 जो चुनाव होने वाला है लोकसभा 2024 तक वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। आज की अगर बात करें तो कुछ देर पहले सिद्धरमैया उनके साथ जो तमाम विधायक आए हुए थे, सभी विधायक दिल्ली से विशेष विमान से बेंगलुरु के रवाना हुए। आज देर शाम की बैठक बुलाई गई करीब 7 बजे कर्नाटक कांग्रेस मुख्यालय, कर्नाटक कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर बैठक होगी और उसके बाद कल सुबह वापस आना है। कल सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार द्वारा वापस दिल्ली आएंगे, यहाँ पे आला कमान से मुलाकात। रवि, आज शाम को जो बैठक होने वाला है, आज की बैठक बहुत अहम होने वाला है, हम ये कह सकते हैं कौन कौन शामिल होंगे आज बैठक में? देखिए आज की बैठक के लिए जो पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक भी वहाँ जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा कर दी गई कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैठक है उस बैठक में बताया जाएगा कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और सिद्धरमैया सीएलपी के लिए चुने गए हैं। आज की बैठक के बाद कल एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली, आज बेंगलुरु में बैठक हुई देर शाम 7 बजे और कल दिल्ली में एक बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रिमंडल में किनको किनको शामिल करना है, उनको क्या क्या पोर्टफोलियो दिए जाने हैं, उस पर दिल्ली में चर्चा होगी और उसके बाद जो दोनों लीडर हैं वापस जाएंगे और 20 तारीख को करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण का समय रखा गया है। उस शपथ ग्रहण समारोह में जो लाइक माइंडेड पार्टी, जो समान विचारधारा वाले पार्टी हैं,
उनके लीडर्स को बुलाया जाएगा और साथ ही जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको भी उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किया जा रहा है। जी रवि, शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को होने वाला है, पूरा प्रिपेरेशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे तैयारी है अभी? बिल्कुल देखिए, तैयारियां चल रही हैं। जो कांटाबेरा स्टेडियम है बैंगलोर में, वहां पे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी की जा रही है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि राजभवन में शपथ हो सकता है, लेकिन अब जो तैयारियां हैं कांटाबेरा स्टेडियम है वहां पे होगी, बड़ा स्टेडियम है। तो एक बड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो बहुमत मिला है, जिस तरह से मैंडेट मिला है काफी दिनों के बाद कांग्रेस को कर्नाटका में, तो उसको लेकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान के चला जा रहा था कि जो चुनाव है इसका, इस चुनाव का फर्क 2024 में पड़ेगा, और इसीलिए तैयारियां भी इसी तर्ज पर की जा रही है कि संदेश दिया जाए कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, और साथ साथ जो तमाम समान विचारधारा वाले जो लाइक माइंडेड पार्टी है उनके लीडर्स को भी इन्वाइट किया जाएगा। 2018 में जब सरकार बनी थी जेडीएस और कांग्रेस की, उस दौरान तमाम जो विपक्ष के लीडर्स उन सबको बुलाया गया था। इस बार भी कमोबेश वही कोशिश की जा रही है कि जो बड़े नेता हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं कांग्रेस के साथ, जिनका अलायंस है, उन सभी के लीडर्स को बुलाया जाए। जहां पर कांग्रेस की सरकार है उनके मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया रवि सिसोदिया, आम प्रतिनिधि जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। आज संध्या बेले बैठक रही है और आज बैठक बहु गुरुत्व बहन करुच्ची, और ता सहित 20 तारीख में शपथ ग्रहण समारोह रही, से नहीं प्रस्तुति जोरदार कर। अक्षय साहू आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक, अधिक आलोचना करने। श्रीजुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची। सिद्धरमैया द्वितीय इनिंगस 2013 पर आप देखते 2023 पुणि थे कर्नाटक मुख्यमंत्री 76 वर्ष सिद्धरमैया कर्नाटक कांग्रेस जन दक्ष एवं लोकप्रिय नेता, एवं ता सहित कुर्बा समुदाय को प्रतिनिधित्व करुवा सिद्धरमैया जन परिपक्व जन नेता भाव में बेस परिचित रही, केमती देखुं उभय सिद्धरमैया कथा कहतु बा डीके शिव कुमार कथा कहतु, उभय कांग्रेस बेस दक्ष एवं गुरुत्वपूर्ण मध्य, तेणु एभली स्थिति रे टॉप पोस्ट पाई एते समय लागिला कि काहेकि ना 4 दिन धरी जो भली भाबरे मानस मंथन जारी रहिला, गोटे हाई ड्रामा देखिबा को मिलिला। निश्चित भाबरे देखंतु जे ड्रामा बिदर अछंती सारे लीडर जांत बात अछि जेति एवं ओने दिन बिदर ब्लॉक से जिते बड़ बड़ स्ट्रेटजी से बहुत धारा सब कंट्रीब्यूशन मे छि भारत के अपन तरह सन्ना सगरे सरकार छि बड़ क्षमता पानिया पाई तहले सब निश्चित भाबरे देखे बिल्कुल वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू आम सहित फोन लाइन रही थे। डॉक्टर श्रीजुक्त साहू बहुत बहुत धन्यवाद अधिक आलोचना। तबे वर्तमान समय आम जी कही पारिबा कांग्रेस सागरे बहुत चैलेंज रहुची, पूर्ण संख्या गरिष्ठता थाई मध्य रिजल्ट रो जेतु 4 दिन लागिगला, 4 दिन परे कांग्रेस कहा को मुख्यमंत्री करिबा स्थिर करि पारिला, तेणु आरंभ रु जदि एभली भाव में द्वंद्व समस्या देखा मिलुची, तेणु आग को कौन हेबो ताकु नै मध्य एक बड़ प्रश्नवाची सामना को आसुची। एभली स्थिति रे कर्नाटक को स्थिर सरकार दे पारिबो तो कांग्रेस पुनी सरकार गढ़िबा परे देथिबा सब प्रतिश्रुति पूरण करि पारिबो तो ना, से सब प्रतिश्रुति भी कांग्रेस पई चैलेंज हेबो, एभली बड़ प्रश्न मध्य सामना को आसुची। कर्नाटक जनता मध्य स्थिरता पई जनादेश देचंती, मात्र कांग्रेस पार्टी रे पोस्ट एवं पोजीशन पई सब बेले जो भली भाव रे लढै लागि प्रतिश्रुति पालन कौन महत्व रखे ना, एभली भाव में प्रतिक्रिया सामना को आसुची। बीजेपी नेता माने एमिती प्रतिक्रिया रखी सिद्धरमैया जेतु द्वितीय इनिंग्स रोची 2013 पर 2023 पुणि थे कर्नाटक मुख्यमंत्री होती 76 वर्ष सिद्धरमैया कर्नाटक कांग्रेस जन दक्ष एवं लोकप्रिय नेता, तेणु दलर हाईकमाण्ड सिद्धरमैया चयन कर सफल होती।